आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खालिद, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जीपीसी पाली। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लेंगे सब्जेक्ट EL201 का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टर्स एंड कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन ऑफ वेरी टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स। पिछले दो लेक्चर्स के अंदर हमने स्टडी किया, दो यूनिट्स के अंदर स्टडी किया हमने रेजिस्टर्स और कैपेसिटर, जो कि जो हमारे बेसिक पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। तीसरा जो पैसिव कंपोनेंट है वो कहलाता है, वो हमारा है इंडक्टर। ये जनरली हमारा एनर्जी स्टोर करने में काम आता है, मैग्नेटिक फील्ड की। जब हम कोई करंट फ्लो करते हैं तो ये हमारी एनर्जी को स्टोर करेगा। फिर इसको हम वायर को वाउंड करके बनाते हैं डिफरेंट कोर्ड्स के ऊपर। इंडक्टेंस को हम कैरेक्टराइज करते हैं, इसकी वैल्यू जो होगी वो उसको हम इंडक्टेंस बोलने के मेजर करते हैं। और यूनिट जो इसकी होती है वो हेनरी होती है एच, और इसकी यूनिट जो स्मॉलर यूनिट्स होती हैं वो होती है मिली हेनरी एम एच एंड द माइक्रो हेनरी म्यू एच। ये जनरली हमारे एसी इक्विपमेंट के अंदर इसको हम काम में लेते हैं। ये हमारे एसी को ब्लॉक करते हैं और डीसी को पास करते हैं, इस वजह से इनको हम चोक भी बोलते हैं। इनको जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक्स फिल्टर्स की तरह भी काम में लेते हैं, जो सेपरेट सिग्नल्स और डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। इस पर्पज के लिए इसको हम कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में काम में लेते हैं, और इसको हम ट्यून सर्किट बोलते हैं। जब भी हमारा इंडक्टर कैपेसिटर काम आए कॉम्बिनेशन में काम आएगा, वो फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग का वर्क करेगा, तो हम ट्यून सर्किट बोलते हैं, जो कि रेडियो टीवी के अंदर काफी कॉमनली काम आते हैं। आप देखेंगे फिगर के अंदर हमने ब्लैक कलर का कोड ले रखा है, उसको वायर बाउंड कर रखा है। ये हमने टोराइड स्टाइल का कोड ले रखा है, उसे वायर बाउंड कर रखा है। तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे इंडक्टर पॉसिबल है, इस तरह का हमारे सिंबल हो जाएगा इंडक्टर का। क्लासिफिकेशन करेंगे, आप देखिए इंडक्टर्स को हमने क्लासिफाई कर रखा है फिक्स्ड एंड वेरिएबल टाइप्स के अंदर। फिक्स टाइप के इंडक्टर में एयर कोर इंडक्टर एंड कोर टाइप इंडक्टर्स हो जाएंगे, और कोर के अंदर हमारा आयरन कोर, फेराइट कोर और भी डिफरेंट टाइप्स के कोर पॉसिबल, इनको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। वेरिएबल में जाएंगे सिलेक्ट ट्यून्ड एंड द टेप टाइप इंडक्टर्स। जनरली हमारे इंडक्टर्स काम आते हैं ट्यूनिंग सर्किट्स के अंदर। फर्स्ट हमारा एयर कोर इंडक्टर है, हमारे नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर कोई भी कोर नहीं, कोर हमारा एब्सेंट है इसके अंदर। तो ये हमारे हाई रिलक्टेंस पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए ऑफर करेगा, इसकी इंडक्टेंस क्या होती है कम होती है। जनरली इसको हम काम लेते हैं आरएफ एप्लीकेशन के लिए, जहाँ हमारी लो इंडक्टेंस की हमको रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको लग रहा है जैसे इसमें कोर नहीं है, उसके कोई एडवांटेजेस भी हैं। कोर नहीं होगा तो उसके अंदर लॉस भी कम होंगे, तो ये हमारा लॉसलेस हमारा हो जाएगा इंडक्टर, लॉसलेस इंडक्टर कहलाएगा। बट इसके अंदर हाई लेवल ऑफ क्यू हमको इसके अंदर अचीव होगा इस इंडक्टर की हेल्प से। इसकी डिसएडवांटेज भी है हमारे पास में, जो हमारे जो इसका लो इंडक्टेंस होगा तो हमको सफिशियंट इंडक्टेंस अचीव करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। तो ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स की रिक्वायरमेंट रहेगी तो साइज़ क्या हो जाएगी हमारी, लार्ज साइज़ की साइज़ थोड़ी बड़ी होती है। आप देखेंगे फिगर के अंदर ये हमने वायर को बाउंड कर रखा है, कहीं भी इनके अंदर हमने कोर काम में नहीं ले रखा है। तो ये हमारे एयर कोर इंडक्टर्स हैं। इनकी रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है स्टेबिलिटी ऑफ इंडक्टेंस, या हर ऑपरेटिंग कंडीशन में इनकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस और इफेक्टिव लॉस का रेस्टेंस जो हमारे पास रेशियो है वो हाई होना चाहिए। खुद का इनका सेल्फ कैपेसिटेंस कम होना चाहिए। रीजनेबल साइज एंड कॉस्ट, साइज भी और कॉस्ट हमारी कम होनी चाहिए, और टेम्परेचर कॉफिशियंट भी इनका कम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे आयरन कोर इंडक्टर्स, जहाँ हमको स्मॉल साइज के इंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ उसको हम आयरन कोर इंडक्टर्स हमारे बेस्ट ऑप्शन है, उनको काम में लेते हैं। इनके हाई पावर और हाई इंडक्टेंस वैल्यू हमको अचीव होती है, लेकिन इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो लिमिटेड फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन में काम में आते हैं, बिकॉज इनके ना हिस्टेरिसिस एंड द एडी करंट लॉस की समस्या प्रॉब्लम रहती है। लो फ्रिक्वेंसी इंडक्टर्स जनरली हमारे आयरन कोर इंडक्टर्स होते हैं। ये हमारे वो इंडक्टेंस है फिजिकल डायमेंशन के, हमारे इनकी इंडक्टेंस भी ज़्यादा होती है, उनके फिजिकल डायमेंशन भी बड़ी होती है। इनको हम चोक और रिएक्टर भी बोलते हैं। द कोर मेटल जनरली हम काम में लेते हैं वो हमारा सिलिकॉन आयरन लेमिनेशंस एंड ग्रेन्ड ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, इसके अंदर हम काम में लेते हैं एज अ कोर मटेरियल। और जो वाइंडिंग हम काम में लेंगे वो इनेबल सॉलिड कॉपर वायर, वो हम काम में लेते हैं विद इंटर या इंसुलेशन, हर लेयर के विद इंसुलेशन लगाते हैं हम। आयरन कोर जो हम लेंगे नॉर्मली वो हाई पावर और हाई इंडक्टेंस टाइप्स के इंडक्टर हमारे डिजाइन करने में काम आते हैं आयरन कोर इंडक्टर्स। ये हमारे एप्लीकेबल रहते हैं ऑडियो इक्विपमेंट्स के अंदर, कंपेयर्ड विद अदर कोर इंडक्टर्स इनकी हमारे पास एप्लीकेशन थोड़ी लिमिटेड होती है इन बारे आयरन कोर इंडक्टर्स की। फेराइट कोर इंडक्टर्स में हमारे पास में क्या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ऑल्सो रेफर टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दे एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के इंडक्टर्स हमारे पास में होते हैं, ऑफर ये एडवांटेज होते हैं कि एडवांटेज है डिक्रीज कॉस्ट,
एंड लो कोर लॉसेज हाई फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी में इनके अंदर लॉसेज कम होते हैं। और फेराइट हमारा जबकि मोस्ट वाइडली यूज जो कोर है वो काम आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स के लिए। और जो फेराइट इज अ मेटल ऑक्साइड सेरेमिक बेस्ड अराउंड अ मिक्सचर ऑफ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एंड आइदर मैग्नीज जिंक और निकल जिंक ऑक्साइड्स। तो इसको बनाने के लिए हम फेरिक ऑक्साइड का मेटल Fe2O3 लेंगे और इसके अलावा मैग्नीज और जिंक और जिंक या निकल जिंक ऑक्साइड के मेटल को मिक्स करके इसको हम प्रेस करेंगे और रिक्वायर्ड शेप के अंदर कास्टिंग करके इसको हम डिजाइन करते हैं। जो सॉफ्ट फेराइट होते हैं वो हमारे कोर यूज फॉर कोर कंस्ट्रक्शन टू रिड्यूस द हिस्टेरेसिस लॉसेज, जो हमारी समस्या होती है हिस्टेरेसिस लॉस के लिए उसको हम कम करने के लिए सॉफ्ट फेराइट कोर्स हम काम में लेते हैं। फेराइट हम दो टाइप्स के होते हैं, सॉफ्ट फेराइट एंड द हार्ड फेराइट्स, और उनको क्लासीफाई करते हैं, प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक कोर्सिविटी। अब मैग्नेटिक कोर्सिविटी क्या होती है? कोर्सिविटी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नीडेड, कितनी हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रिक्वायरमेंट है टू इस फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए फ्रॉम कंप्लीट सैचुरेशन टू जीरो। हमारा जो फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल था वो फुल सैचुरेशन कंडीशन में है, उसको वापस सैचुरेशन जीरो पर लाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी वो कहलाती है कोर्सिविटी। तो सॉफ्ट फेराइट हो जाएंगे हमारे, दिस मेटेरियल्स विल हैव द एबिलिटी टू रिवर्स देयर पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन विदाउट एनी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिवर्स द मैग्नेटिक पोलैरिटी। तो देखा हमने कि हमारे पास जो कोर्सिविटी जो प्रॉपर्टी है, सॉफ्ट फेराइट के अंदर क्या होगा, इनमें बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी उनको इनकी पोलैरिटी को चेंज करने के लिए, मतलब ये हमारे पास में सैचुरेशन जीरो के अंदर विदाउट किसी एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। हार्ड फेराइट होंगे, दीज आर ऑल्सो नोन एज परमानेंट मैग्नेट्स, जो हमारे पास में कि उनकी पोलैरिटी जो होगी मैग्नेटाइजेशन वो हमारी रहेगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड को मैं रिमूव भी कर दूंगा तभी उनकी मैग्नेटिक जो नेचर है वो उसके अंदर बना रहेगा, उनको बोलते हैं हार्ड फेराइट्स। ये हमारे परफॉर्म इंडक्टर की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में काम आते हैं। ये हमारे जो फेराइट कोर इंडक्टर्स होते हैं इनकी परमिएबिलिटी रेंज होती है 20 से लेके 15,000 होती है अकॉर्डिंग टू कौन सी टाइप का फेराइट मटेरियल हम काम में ले रहे हैं। जैसे इंडक्टेंस, इनकी इंडक्टेंस काफ़ी हाई होती है कंपेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स विद एयर कोर, कोई भी हम काम में लेंगे एयर कोर वगैरह से कंपेयर में इसकी जो इंडक्टेंस वैल्यू होगी वो हाई होती है। नो आयरन पाउडर इंडक्टर, जो कुछ ऐसे इंडक्टर हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है उसको हम स्टडी करेंगे। इनको बनाने के लिए हम फाइन पार्टिकल्स लेते हैं, इंसुलेटेड पार्टिकल्स, हाईली प्योर आयरन पाउडर। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, कंटेन 100% आयरन के, 100% आयरन से बनाए जाते हैं पाउडर फॉर्म में, इसको आयरन को लेके इसको हम डिजाइन करते हैं। तो हमारा सॉलिड लुक स्ट्रक्चर हमको मिलेगा जो हम लिखा रखा है डायग्राम के अंदर आपको, और जब इनको कंप्रेस करके बनाते हैं इसलिए हम सॉलिड लुक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। आयरन पाउडर हमारा मैग्नेटिक सॉलिड स्ट्रक्चर मिलेगा, कंसिडर डिस्ट्रीब्यूटेड एयर गैप, हमारे पास एयर गैप भी डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे इसके अंदर, कि हमने पाउडर फॉर्म में बनाया था इसको। ड्यू टू दिस एयर गैप की वजह से क्या होगा, केपेबल होंगे टू स्टोर हाई मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन कंपेयर्ड विद द फेराइट कोर। इनकी प्रॉपर्टी क्या मिल रही है हमको, ये हाई मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टोर करेंगे अपने अंदर एज कम्पेयर टू द फेराइट कोर। दिस कैरेक्टरिस्टिक अलाउज अ हायर डीसी करंट लेवल टू फ्लो थ्रू द इंडक्टर बिफोर इंडक्टर सैचुरेट्स। तो हाई हमारा डीसी करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, इससे हमारी जो कोर की परमिबिलिटी क्या हो जाएगी वो हमारी कम हो जाएगी वाली। इस तरह से हमारे तो हमने कहा आयरन पाउडर को यूज करके हमने 100% आयरन फॉर्म के अंदर इस प्रेस करके इस कंप्रेस करके इस तरह के हमने बना रखे हैं आयरन पाउडर्स कोर्स। पाउडर इंडक्टर आई यूज मच हायर, इनको हाई फ्रिक्वेंसी के इसको हम काम में लेते हैं। जो हमारी जो मेसिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, इसके हमारे में जो लॉसेस थे इसके अंदर एडी करंट लॉसेस वो हमारे इसके अंदर कम हो जाएंगे इस पाउडर की फॉर्म के अंदर डिजाइन करने से। तो ये हमारी मेन एडवांटेज है आयरन पाउडर की, जो हमारे लॉसेस थे एडी करंट लॉसेस वो हमारे काफी कम हो जाएंगे। टोराइडल स्ट्रक्चर, इनके अंदर जो कॉइल वाउंड करेंगे ऑन द टोराइडल सर्कुलर फॉर्मा, देखेंगे टोराइडल सर्कुलर फॉर्मा हमने ले रखा है, बेस ले रखा है, इसके ऊपर हमने वायर को वाउंड कर रखा है, तो इससे हमारी जो फ्लक्स लीकेज हो जाएगी वो हमारी काफ़ी कम हो जाएगी इन टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स के अंदर। तो इनको जनरली हम काम में लेते हैं, फेराइट को हम काम में लेते हैं एज अ फॉर्मर इन टाइप के इंडक्टर्स के लिए, बिकॉज हमारी जो परमिबिलिटी होगी वो हमारी इंक्रीज होगी यूजिंग द फेराइट को काम में लेने से। इनके एडवांटेज क्या होगी, इज दैट टोराइड एनेबल्स द मैग्नेटिक फ्लक्स टू ट्रेवल इन अ सर्कल अराउंड द टोराइड एंड रिजल्ट द लीकेज फ्लक्स लीकेज वेरी लो।
तो हमारे पूरे राउंड जो हमारा कोर है उसके अंदर हमारे जो लीकेज जो फ्लो करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उससे हमारे फ्लक्स की लीकेज जो होगी हमारी काफ़ी कम हो जाएगी, फ्लक्स लीकेज उसके अंदर नहीं रहेगा। इनकी डिसएडवांटेज क्या रहेगी, रिक्वायर स्पेशल वाइंडिंग मशीन, बिकॉज हमें आप देखिए वाइंडिंग काफ़ी डिफिकल्ट है, उनको स्पेशल वाइंडिंग मशीन की रिक्वायरमेंट रहेगी इस राउंड फॉर्मर के ऊपर वायर को वाउंड करने के लिए। कुछ हमारे वेरिएबल इंडक्टर हैं फॉर्म बाय मूविंग मैग्नेटिक कोर इन इन आउट, इसमें क्या होगा, हम इसकी जो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी हम वेरी करेंगे, इनके अंदर कोर जो होगा उसको हम इन एंड आउट मूव करेंगे वाइंडिंग के बीच में, उससे हमारी जो इंडक्टेंस की वैल्यू को उसको हम वेरी कर सकते हैं। जो वेरिएबल इंडक्टर हमारे वाले, इनकी वैल्यू को हम जब वेरी करना होगा वहाँ उसको हम काम में लेंगे। इसके कॉइल के अराउंड सेंटर में कोर होगा, इस कोर को हम इन एंड आउट मूव करेंगे, उससे हमारी कोर की जो वैल्यू होगी इंडक्टेंस की वो चेंज होगी। तो हम फेराइट कोर को हम जनरली काम में लेते हैं इन वेरिएबल टाइप्स के इंडक्टर्स के लिए। आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, यहाँ पर सेंटर में हमने यहाँ पे कोर, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से घुमाएंगे तो मेरा कोर जो होगा वो इसके आसपास हमने वाइंडिंग वाउंड कर रखी है, और सेंटर पे हमने एक तो लगा रखा है कोर। जब मैं स्क्रू ड्राइवर से सेंटर घुमाऊंगा तो मेरा कोर इन एंड आउट मूव करेगा, और उससे मेरे जब मेरा कॉइल के बीच में कोर मूव करेगा तो मेरा फ्लक्स लीकेज हमारे वेरी होंगे, उनके जो फ्लक्स उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इंडक्टेंस होगा वो वेरी होगा। इनको जनरली हम रेडियो और हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए काम में लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्यूनिंग के लिए। ये जनरली हमारे 10 माइक्रो हेनरी से लेकर 100 माइक्रो हेनरी में काम आते थे वाले, और आज के हमारे प्रेजेंट डेज के अंदर ये 10 नैनो हेनरी से लेकर 100 मिली हेनरी तक काम में आते हैं। कुछ हमारे मोल्डेड इंडक्टर्स हैं, अभी प्लास्टिक और सेरेमिक इंसुलेटर के बनाए जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे प्लास्टिक के हमने ले रखे हैं, बेस ले रखे हैं, वायर हमने वाउंड कर रखा है। तो हमारे पीछे वाले जो हमारे एयर थे, उन ये हमारे जो एयर इंडक्टर्स थे पीछे वाले हमारे वेरिएबल इंडक्टर्स, उन्हीं तरह मोल्डेड इंडक्टर्स होते हैं। इनके अंदर हमारे पास जो हमारा बार और सिलेंडिकल शेप के अंदर हमारा कोर अवेलेबल रहेगा, कॉयल उसके ऊपर हम इसके ऊपर सेंटर में हमारा कोर होगा, उसके अंदर हम इन आउट मूव करके इस तरह के इंडक्टर्स को हम डिज़ाइन करते हैं। लेमिनेटर कोर है जिसमें जो हमारा कोर मटेरियल होगा वो उसको हम लेमिनेशंस को अरेंज करके उसको हम अपना कोर डिज़ाइन करेंगे। पतली पतली पट्टियाँ होंगी इसको हम लेमिनेशन बोलते हैं, उनको अरेंज करके इसका हम कोर डिज़ाइन करेंगे, इसको बोलते हैं हम लेमिनेटेड कोर इंडक्टर्स। ये जो हमारे लेमिनेशंस होंगे डिफरेंट मटेरियल्स के, वो हमारे डिफरेंट थिकनेस के होंगे, तो हमारे कंस्ट्रक्शन में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। और जो हमारे जो लेमिनेशंस हैं वो डिज़ाइन करते हैं हम इंसुलेटिंग मटेरियल में, उनको बीच में हम इंसुलेशन मटेरियल लगाएंगे या इनके ऊपर कोटिंग कर देंगे इंसुलेशन की हम, तो इनको हम लेमिनेशन बनाएंगे स्टील के और हमको इंसुलेट कर देंगे हम डिफरेंट मटेरियल लगा के, इनका इंसुलेशन भी प्रोवाइड कराएंगे इनके अंदर हम। अब क्या होगा, इन जो इंसुलेशंस हैं इनको हम पैरल अरेंज कर देंगे, एक के पास में एक अरेंज कर देंगे इसके अंदर, उससे जो होगा हमारा एडी करंट लॉसेस काफ़ी कम हो जाएंगे इन लेमिनेशंस के होने से। तो इनको हम दिस आर यूज इन लो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर्स के अंदर इसको हम काम में लेते हैं। दे हैव हाई पावर लेवल्स, सो दिस आर मोस्टली यूज्ड इन पावर फिल्टरिंग डिवाइसेस फॉर एक्साइटेशन फ्रिक्वेंसी अबव सेवरल किलोहर्ट्ज। ये सेवरल किलोहर्ट्ज तक काम में इनको हम लेते हैं इन लेमिनेटेड कोर इंडक्टर्स को। तो देखा हमने कैसे हमारा जो पीछे वाले इंडक्टर से प्रॉब्लम आ रही थी एडी करंट लॉसेस की, उस लॉस को कम करने के लिए हमने उसका पाथ कम करने के लिए हमने जो करंट के जो हमारे पाथ बन रहा था एक हमारा इसके अंदर हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है और उसकी वजह से लॉसेस होते हैं, तो हमने पतले पतले लेमिनेशन कर दिए। तो लेमिनेशन के बीच में लेमिनेशन को आपस में मैंने रख के और बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करवा दिया, तो जो मेरी प्रॉब्लम आ रही थी एडी पूरा करंट पाथ बनने की, वो पाथ उसमें नहीं बनेगा। तो बात नहीं बनने से क्या होगा, हमारे पास में जो एडी करंट लॉसेस थे वो काफ़ी कम हो जाएंगे, तो हमारी इंडक्टर की क्वालिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी वाली। अब आते हैं बॉबिन बेस्ड इंडक्टर्स। इनको जनरली हम अब जो प्लास्टिक का हमारा रियल टाइप का स्ट्रक्चर आता है उसको हम बॉबिन बोलते हैं, जो हमारे ट्रांसफॉर्मर वगैरह के अंदर काम आते हैं। तो इन बॉबिन बेस्ड इंडक्टर को डिज़ाइन करने के लिए हम एक बॉबिन के ऊपर हम वायर को वाउंड करते हैं, इनको बोलते हैं बॉबिन बेस्ड इंडक्टर्स। जनरली इसको हम पीसीबी के ऊपर जब माउंटिंग करनी होती है वहाँ इस टाइप के इंडक्टर्स को हम काम में लेते हैं, बॉबिन बेस्ड इंडक्टर्स को। दो दो तरह की लीड इसके काम में लेते हैं, दी होती हैं एक्सियल लीड एंड द रेडियल लीड। एक्सियल लीड का मतलब क्या है, मैंने इसके दो एंड से हमने कोर इस तरह निकाल रखा है, वायर को निकाल रखा है कि जो उनकी माउंटिंग होगी पीसीबी की वो हमारी हॉरिजॉन्टल माउंटिंग होगी। तो इस तरह की हॉरिजॉन्टल माउंटिंग उसको बोलते हैं हम एक्सियल लीड बॉबिन बेस्ड इंडक्टर। लेकिन अगर मैंने उसकी रेडियल लीड्स को मैंने उसको इस तरह निकाल रखा है साइड से कि इसकी जो माउंटिंग अगर वर्टिकल करते हैं हम इसको,
वर्टिकल माउंटिंग करते हैं तो वो कहलाएंगे वर्टिकल माउंटेड बॉबिन बेस्ड इंडक्टर्स। तो इस तरह से जो हम डिजाइन करते हैं हॉरिजॉन्टल माउंटेड बॉबिन बेस्ड इंडक्टर और द वर्टिकल माउंटेड इंडक्टर्स कि किस तरह से हमने एक्सल लीड्स को हमने उसके अंदर निकाल रखा है। ये जनरली हमारे में हमारे वाइड वैरायटी वाइडली हमारे पावर रेटिंग भी इनके अंदर आती है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की वोल्टेज एंड करंट लेवल्स एंड ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। तो इनमें पावर रेटिंग वोल्टेज एंड करंट लेवल ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ की आती है और मोस्टली हमारे काम आते हैं स्विच मोड पावर सप्लाईज के अंदर इनको हम काम में लेते हैं फॉर पावर कन्वर्जन एप्लीकेशंस के लिए हमारे बॉबिन बेस्ड इंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। तो देखा आपने डिफरेंट टाइप्स के आपने इंडक्टर स्टडी किए तो हमारे सिलेबस के अंदर हमारे तीन टाइप के इंडक्टर लेकिन बाकी को हमने ब्रीफ में स्टडी किया ताकि पता लग जाए आपको क्या यूज़ होता है इंडक्टर्स का कहाँ इनकी एप्लीकेशन है और कौन कौन से टाइप के इंडक्टर्स अवेलेबल हैं। इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है हमारे इंडक्टर्स की वो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लेक्चर को देखने के लिए थैंक्स और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जैसे जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा हमारा अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा। ओके थैंक्स।